नमस्कार। आज की रेसिपी है गुणकारी गेंदे के फूल की पेड़ा। पेड़ा बनाने के लिए यहाँ हम गार्डन फ्रेश और ऑर्गेनिक है 30 से 35 फूल लिए हैं। खूब गुणकारी है ये फूल। अगर आप लगाते हो अपने गार्डन में ये गेंदे के फूल तो आपके घर में मच्छर कम आते हैं और पत्ते बहुत गुणकारी है, फूल भी गुणकारी है और ये फूल काफी दिन भी रहता है, इसलिए गार्डन में आप जरूर लगाइए। ये है और साल भर भी फूल रहता है, ये नहीं कि सर्दी के मौसम में खिला और खत्म, नहीं, आप इसको बदलते जाएंगे पौधे को और ये आपका फूल हर साल भर देता जाएगा। हमने गार्डन फ्रेश फूल यहाँ लिए हैं 30 से 35 और इसको पहले हम साफ कर लेते हैं। देखिए अच्छे से हमने इसको साफ कर लिया। अब साफ हो जाने के बाद हम इसको धो लेंगे पानी में 2-3 बार। अब पानी में धो लिए, एक जगह रख लेते हैं निकाल कर। अब हम इस फूल का केवल पीले वाले हिस्सा काट कर रखेंगे। ये सारे हम एक बर्तन में काट कर रख लिए, उसका जो पीले वाले हिस्सा बिल्कुल पंखुड़ी काट के रखेंगे। इसके काले वाले जो ये हिस्सा हम बिल्कुल नहीं लेंगे, केवल पीली के हिस्सा लेंगे। अब 1 कप पानी एक कढ़ाई में हम डालते हैं। 3/4 कप हम यहाँ चीनी डाले हैं और इसको हम शुगर और ये पानी को मिला लेते, एक सिरप बना लेते, बस इसको मिक्स करना है। अब यहाँ हम गेंदे के फूल की जो पंखुड़िया काट कर रखे हैं वो डालते हैं और गैस को बंद कर देते हैं। गैस यहाँ और जरूरत नहीं है। अब इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं, फूल और चीनी की जो चाशनी बनी है इसको मिलाकर हम इसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10-15 मिनट के बाद इसे हम छान लेंगे। छान लिए, देखिए कितने अच्छे से ये कलर आया है हमारा गेंदे के फूल का। हम इसको अब दोबारा चाशनी बनाएंगे, गाढ़ी बनानी है हमें। अब इसको गाढ़ी बनाने के लिए लगातार चलाते हुए हम गैस पे छोड़ देते हैं। 2 लीटर दूध हमने यहाँ गर्म किए हैं, उसको हम खोए की तरह पकाएंगे। आप यहाँ दूध की पाउडर नहीं तो खोया भी यूज कर सकते हो। हमने यहाँ दूध यूज किया है। अब इसको पकाने के बाद यहाँ आधी नींबू हमने निचोड़े हैं और इसको अच्छे से मिला दिए हैं। अब ये दूध को हम डालते हैं जो हम गेंदे के फूल की चाशनी बना रखे है उसमें ट्रांसफर कर दिए हैं हम, जो हमने दूध को पका के रखे थे। यहाँ हम स्वीट बेसिल जो है सबचा की पत्ते बोलते हैं हम यहाँ दयना तुलसी इसको बोलते हैं, हम 10 से 15 धोकर हमने डाल दिए। अब इसको लगातार चलाते हुए हमें पकाना है और इसको अच्छे से इसका पानी दूध जो है सूखा लेना है। अब लगातार चलाते हुए हमने इसको गाढ़ी बना दिए। अब ये गाढ़ी हो जाने के बाद हम इसको थोड़े से जैसे 2 मिनट इसको स्टीयर फ्राई करेंगे। अब देखिए ये हो गया, इसको लगा थोड़ा चलाते हैं और ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं। जब हाथ में आने लगे, देखिए ठंडा हो गया, हाथ में आने लगा, अब हम इसको पेड़ा के आकार दे दिए। आप अपने मनपसंद पेड़ा के आकार दे देना। खूब स्वादिष्ट यहाँ ये गेंदे के फूल की पेड़े बन गया है। बनाइए ऐसे सुंदर सुंदर रेसिपी और हमारे चैनल ओडिशा फूड डिलाइट को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे सुंदर सुंदर रेसिपी के लिए ये देखिए स्वादिष्ट गेंदे के फूल की पेड़ा बन गया और खूब सुगंधित भी है और आपको ऊपर से कुछ भी सुगंधित डालने की जरूरत नहीं है। ये जो हमने तुलसी के पत्ते डाले और गेंदा, खूब सुगंधित और स्वादिष्ट बना दिया हमारे पेड़े को। धन्यवाद।